हमेशा संविधान की याद क्यों दब जब शरीफ गई आप? एक सवाल पूछा जाता है आमतौर पर, ये कहा जाता नहीं जहाँ पर नहीं है कोई पाबंदी वहाँ नहीं है पाबंदी। नहीं अभी अजय आलोक ने कहा इस चीज को, आपने नोट नहीं करी उनकी बात को, अजय आलोक ने फौरन कहा। मैंने उनसे भी पूछा था, आप मुझे बताइए कि हमेशा किसी के धार्मिक अनुष्ठान में क्यों आप संविधान को लेकर आ रहे हैं? ना कोई सरकारी कार्यक्रम हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें सभी धर्मों को ना बुलाया जाए, तब तब इस तरह आपका नहीं। लेकिन लेकिन ऐसे ऐसे आयोजन में क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? और आप वक्फ में कहते हैं असदुद्दीन वैसी मुद्दा बनाते हैं कि देखिए इसमें आप हिंदू को नहीं लेकर आइए, क्योंकि आप ये करेंगे तो आप देखिए हमारे मामले में मुद्दा वक्फ की तरफ लिए गए, मुद्दा जो था वहां पे वक्फ के ऊपर भी हम आ जाएंगे। अभी आ जाए आप संविधान एक जगह चूज करेंगे, आपके धर्म का मामला होगा तो ये कहेंगे तो इनसे ये पूछ लीजिए, ये काहे के लिए सवाल पूछते थे? इनके लिए इनकी आस्था बढ़ी है या संविधान बढ़ा है? चलिए बता दें अजय आलोक, आपके लिए आपकी आस्था बढ़ी है देश का संविधान? बार बार जब मुसलमानों के मुंह में ये लफ्ज डालते हैं कि आपके लिए देश का संविधान बड़ा है या आपका कुरान बड़ा है, आप किसको मानेंगे, तो मैं इनसे पूछ रहा हूं आपके लिए आपकी धर्म की आस्था बढ़ी है देश का संविधान बड़ा? चलिए बता दें अजय आलोक। अजय आलोक आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हूं जी, बताइए। मेरे लिए इस देश का संविधान और भारतीय होना सबसे बड़ा है, बस बात खत्म हो गई। फिर चलाइए, देश सेकुलर मुल्क है, देश सेकुलर मुल्क है, बस आपका जवाब। अब एक मिनट, अब आता हूँ, अब एक मिनट, मेरे उसी संविधान ने, अब एक मिनट बीच में नहीं, सैयद साहब सुनिए, अब आप सैयद साहब जब इतना देर बोल रहे थे तो जवाब सुनिए, जब इतना देर बोले जवाब सुनिए। मेरे संविधान ने यह भी लिखा है कि हमें हर दूसरे धर्म की इज्जत करनी है और हर दूसरे धर्म को आदर और सम्मान देना है। ये महाकुंभ का ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेला नहीं है, ठीक है ना, जहाँ लोग मौज मस्ती के लिए जाएंगे, एक धार्मिक आस्था लेके गंगा जी में डुबकी करके लोग पूजा करने जा रहे हैं, ये हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब बाबा बागेश्वर कहते हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे एक तर्क है, क्योंकि गैर हिंदुओं का प्रवेश करने से जो हमारी धार्मिक आस्था होती है, हमारी मान्यता सालों से नहीं हो रही, हमारी पूजा करने की विधि होती सालों है, से क्या हो रही है, भ्रष्ट होती है। आप मक्का में सुनिए ना, डिबेट नहीं है, पहले सुन लीजिए, सवाल लीजिए, बोलिए। आप हज में, हज शरीफ में जाते हैं, मक्का आज हज करने जाते हैं, मक्का में जाते हैं, वहां तो गैर हिंदुओं को घुसने भी नहीं दिया जाता है, पूरे विश्व ने कोई आपत्ति की क्या? बहुत हमारे धर्म का सम्मान करना सीखिए, उसमें संविधान को बीच में मत लाइए, क्योंकि वो संविधान ही कहता है कि हर धर्म की इज्जत करना है और हम संविधान के तहत ही जा रहे हैं। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि अखाड़ा परिषद ने ये मांग रखी है, बाबा बागेश्वर अंत संत समाजों का ये मांग है, इस मांग पे आधिकारिक फैसला सरकारें लेंगी, और हमें धर्म का सम्मान करना संविधान ने ही सिखाया है और हम संविधान सम्मत काम ही करेंगे। दर्द क्यों हो रहा है आप लोग? ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये बोलने वाली समाजवादी पार्टी, ये बोलने वाली ऑल इंडिया जमात इल्मे हिंद, इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है भाई? मत जाइए उर्स में, उर्स कह रहा हूँ, मत जाइए महाकुंभ में, उर्स में तो कोई हिंदू जाके अपनी स्टॉल नहीं लगाता है। आप लोग उर्स मेला हर जगह करते हैं, वो तो मेला होता है, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, मेला नहीं है, नहीं पता ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है। हाँ नहीं अजय आलोक जी, क्योंकि क्या सवाल इसलिए उठ रहा है, क्या ये सवाल इसलिए बार बार सामने आता है, क्योंकि अब से पहले कभी नहीं हुआ, अब से पहले इस सवाल को कभी नहीं उठाया गया, और अब ये सवाल उठाया जा रहा है, एक जगह नहीं बार बार उठाया जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों इतनी तकलीफ होती है, तो क्या मैसेजिंग उन्हीं के लिए है, संदेश क्या उन्हीं के लिए है, और वो संदेश साफ है, वो संदेश सबको समझ में आ रहा है, और वो वोट बैंक की राजनीति है, क्या इस वजह से बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है और इस पर जो मुसलमान है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है? उमैरा जी, पहली बात तो हिंदू वोट बैंक बना ही नहीं कभी भी आज तक, कोशिश वोट बैंक बन जाता तो ये लोग कभी, इनका अस्तित्व ही बचता क्या? इनका अस्तित्व ही नहीं बचता अगर हिंदू वोट बैंक बन जाता तो। वोट बैंक कौन है हमको ही पता है, आपको ही पता करके बताइए, और उसी के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसी के लिए लड़ाई कर रही है, चाहे ओएसी की पार्टी हो, हिंदू वोट बैंक नहीं है। यहाँ पे बात है धार्मिक आस्था की, मैं तो साफ कह रहा हूँ ना भाई, आपको क्या जरूरत है किसी के धार्मिक आस्था में जबरदस्ती घुसने की? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं गैर हिंदुओं का प्रवेश बड़ी हो गई यहाँ पर, तो सोचिएगा क्यों जाना चाहते हैं? गरीब मुसलमान में वो ठेला लगाएगा कमा लेगा, अरे ठेला लगाने कमाने के लिए पूरा देश नहीं है, सफर करिए, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अजीज साहब से, ले लेते हैं
और सैयद जवाद भी इस पर कुछ कहना था। सैयद जवाद, उन्होंने कहा धार्मिक आयोजन में तो मक्का मदीना में भी लोगों को नहीं जाने दिया जाता। एग्जांपल देखिए कितना अच्छा दिया है, मक्का मदीना पहुंच गया उसके बाद दूसरी नहीं, तो अरे जब नहीं जाने दिया जाता ना। अरे सुन तो लीजिए, हलाल गोश्त किसके हाथ का बनावा खाएंगे? अच्छा ठीक, अब आपके किसके हाथ का कटावा खाएंगे, ये सब भी तो है ना। अभी बहुत अच्छा था, जब आपको इतनी ही मोहब्बत हो रही है कि आपको सनातन धर्म में वो चेंजेस करना है जैसे इस्लाम के अंदर है, तो आप सनातन धर्म को इस्लाम के अंदर ही इन्वॉल्व कर रहे हैं कि अगर मुसलमान ऐसा हुआ करते तो उनका सिस्टम ऐसा है तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए। तो कल को आप सनातन धर्म का इस्लामीकरण कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। आपको पता है मुसलमानों का वक्त है तो हमको भी वक्त चाहिए। अरे ऐसे हो जाएगा, वक्त आपकी नहीं है, लेकिन आप आदि अनादि काल से सनातन आ रहा है, सनातन से कंपेयर मत कीजिए। करके बोलिए, इनको इनको माफी मांगने बोलिए। एक एक करके बोलिए, कुछ बोल रहे हैं।